नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर के नई और फ्रेश वीडियो में। आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक शुरू, महंगाई भत्ता बहाली और एरियर भुगतान पर आई बड़ी खबर, जानेंगे इस बड़ी खबर को विस्तार से। इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले हर छोटे से लेकर बड़ी खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। जी हाँ, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी अभी एबीपी न्यूज की तरफ से लेटेस्ट न्यूज जारी की गई है। केंद्रीय कर्मचारियों को आज मिल सकती है अच्छी खबर, हट सकती है डीए पर लगी रोक, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला संभव। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास पर इस समय केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है। इसके बाद आज शाम को 5 बजे मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी। आज होने वाली ये बैठक कई मायनों में खास है। कोरोना काल के चलते करीबन 1 साल के बाद प्रधानमंत्री वर्चुअल के बजाय फिजिकल तौर पर बैठक कर रहे हैं। इस बार मंत्रियों के उनके मंत्रालय के कामकाज के विवरण को लेकर भी बातचीत होगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये दूसरी कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है। इसके साथ ही आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज अच्छी खबर आ सकती है। कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटने का भी फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का भी फैसला लिया जाएगा। तो दोस्तों, महंगाई भत्ता बहाली और एरियर भुगतान को लेकर बड़ी खबर ये निकल के सामने आ रही कि आज कैबिनेट की बैठक इस समय चल रही है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इसमें पहली बार कोरोना काल के बाद में प्रधानमंत्री खुद कैबिनेट की बैठक में मौजूद हैं। ऐसे में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बहाली DADR को लेकर इस कैबिनेट में बड़ा फैसला हो सकता है। तो जैसे ही कोई बड़ी अपडेट निकल के सामने आती है कैबिनेट मीटिंग के बाद में कर्मचारियों के लिए, तो आपको इस चैनल के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।